हाय गाइस, मेरा नाम है अनु और आज हम जा रहे हैं करनाल से किन्नौर। ये ट्रैवल जो है ये हमारा 2 दिन का जर्नी होगा, बिकॉज किन्नौर जो है करनाल से तकरीबन 12 घंटे का सफ़र है और 10 से 11 घंटे का सफ़र है। इस टाइम करनाल का जो वेदर है वो तकरीबन 26 डिग्रीज तक का है, मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप है जैसे कि आप देख सकते हो। और जो किन्नौर का वेदर है इस टाइम वो मोस्टली 15 डिग्री सेल्सियस दिन का है और 11 डिग्री सेल्सियस रात का है। बट हम जो बीच में हॉल्ट करेंगे, हम मोस्टली हॉल्ट करेंगे शिमला या नारकंडा में, और इस बार हमने कहीं से बुकिंग नहीं की है, हम जनरली डायरेक्ट जा रहे हैं क्योंकि ऑफ सीज़न है तो मोस्टली कहीं पे भी आपको कहीं ना कहीं स्टे मिल ही जाएगा। बस थिंग्स टू बी रिमेंबर, इफ़ यू गोइंग टू हिमाचल और एनी काइंड ऑफ हिली एरिया, ट्राई टू ब्रिंग रेनकोट और अम्ब्रेला प्लस बेसिक मेडिसिंस एंड कॉम्फी क्लोथ्स। ओके गाइज, तो अभी हम चल पड़े हैं यहाँ से, मतलब हम करनाल से चल पड़े हैं किन्नौर की तरफ। पहले हमारा स्टे होगा ऑलमोस्ट शिमला या नारकंडा में, मतलब जहाँ भी हम लीस्ट पहुँच पाएँ। तो अभी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मिनिमल है, अप्रॉक्स 31 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा मतलब इतना, मतलब बरसात के हिसाब से ठीक है वेदर, मतलब हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो लेट्स सी किस तरह से जाता है, आई होप सफ़र तो अच्छा ही जाएगा बिकॉज हम खुद हिमाचली हैं। लेकिन अगर आप बस में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो भी क्विल्ट लेके चलिए, बिकॉज किन्नौर और शिमला ये वाले एरियाज ऐसी जगह है जहाँ पे आपको मतलब ठंड लगनी ही लगनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मतलब भरी गर्मी में जाएंगे और आपको लगे कि वहाँ पे आप मतलब बिल्कुल ऐसे चिल करेंगे जैसे ये लड़का कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। आपको कंबल लेके जाना ही पड़ेगा, हल्का क्विल्ट ले चलिए मतलब नॉर्मल सा, जिससे आपकी ये गाइस अभी हम शिमला कालका हाईवे पे चले हुए हैं और ये रोड ना मतलब जहर बना दिया है लोगों ने, जहर। अब तो मतलब आज से कुछ 5-7 साल पहले अगर आप यहाँ आते ना तो आपका मन नहीं करता कि आप इस हाईवे पे गुजरो, लेकिन अभी तो मतलब हर कुछ ही बना दिया है। गाइस कुछ भी बनना, पर बस ये मत बनना कि ये इतने ओवर स्मार्ट बनना है, ये जो बादाम खा के चलते हैं ना लोग, कि लाइन बनी हुई है लेकिन उसके साथ एक अलग से ना अपनी लाइन शुरू करेंगे, फिर भिखारियों की तरह भीख मांगने लगेंगे कि हमें ना बीच में रास्ता दे दो। मैंने ना हमें बहुत डरा के रखा हुआ है, ये पिछले 7-8 किलोमीटर से हमारे साथ चला और हमें पास ही नहीं दे रहा है, पता है, मतलब इसने हमें बहुत दुखी किया, हम इतने पी 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 करके भी थक गए अब तो। ओके गाइस, तो आज हम जहाँ पे रुके हैं इस जगह का नाम है वीजे रेजेंसी और ये फूड कॉर्नर भी साथ में ही है। ये नारकंडा से ना रामपुर की तरफ जब हम जाते हैं उस तरफ को है एंड काफ़ी अच्छा होटल है, और इसके बारे में आपको ना अगोडा बुकिंग वगैरह सब पे मिल जाएगा। बट हमने, जैसे मैंने पहले बताया था कि हम इंस्टेंट चले थे तो हमने वहाँ से बुकिंग की नहीं थी, तो हमने इसे मतलब ऑन द स्पॉट ही लिया है, लाइक जैसे हम ऑन द वे जा रहे थे तो हमें व्यू वाइज ही दिख गया था ये होटल, तो काफ़ी सही है। और ये ऑन द वे है तो ये है कि आपको यहाँ से अगर आप किन्नौर जा रहे हैं, जैसे हम किन्नौर जा रहे हैं तो किन्नौर के लिए ना यहाँ से 5 आवर्स का ही स्टे है, बाकी मैं आपको डे व्यू जो है वो सुबह बता दूँगी। और फूडिंग का इनके पास खुद का है सारा, रूम्स आर वेरी गुड, नीट और कोजी से रूम्स हैं। सुबह के 6 बज चुके हैं और ये हमारे यूट्यूबर फ्रेंड और ये उनके छोटे से बच्चा यहाँ पे सोया हुआ है अभी तक, इनको कोई होश नहीं है कि हमने किन्नौर जाना है, अभी पूरी तरह से सोए पड़े हैं। देख ओके, गुड मॉर्निंग गाइस, तो आई वेट गई हूँ, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं, बट अभी हमें तैयार होके आके जाना है। रात को यहाँ पे बहुत बारिश हुई है नारकंडा में, और मतलब घनघोर बारिश हुई है, एंड बट पहाड़ों में मोस्टली ये होता है कि या तो लोग बहुत जल्दी उठते हैं या लोग बहुत लेट उठते हैं, तो ये वाले पहाड़ जो है यहाँ पे लोग लेट उठते हैं तो अभी हम तैयार होके चाय पियेंगे और उसके बाद हम जाएंगे नारकंडा से। ओके गाइस, तो अभी हम आ गए हैं नारकंडा में, हम रुके हुए हैं जैसे मैंने आपको रात को बताया था,
तो इस वजह से अभी हमें जाना है और इस वजह से हम आए हैं। ठीक है, यहाँ से अभी हम जाएंगे सीधे रामपुर होते हुए किन्नौर, और जहाँ हम रुके थे उस जगह का नाम था विजय रेजेंसी, और फूडिंग इनकी साथ में ही थी और हंटिंग होम टाइप फूडिंग थी, कोई दिक्कत किसी चीज़ में थी नहीं। टू स्टोरी है ऑलमोस्ट, मतलब बहुत ही अच्छे रूम्स हैं इनके, इनके रूम्स ना वुडन टाइप हैं। और यहाँ से भाई साहब जो सुबह का नज़ारा था ना, यू वॉन्ट बिलीव कि मतलब जब हम सुबह उठे थे तब यहाँ पे घनघोर धुंध छाई हुई थी, मतलब तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा, इतनी धुंध थी। एंड बस जस्ट आधे घंटे बाद ही वो धुंध छटनी शुरू हुई ना, तो हल्की हल्की धूप आ गई है, देवदार के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप अपने रूम की खिड़की से बाहर देखते हो तब भी बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। प्लस अगर आप होटल से बाहर निकल रहे हो ना तब भी आपको सामने इतना खूबसूरत व्यू आ रहा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे बादल जो हैं वो ज़मीन पे उतरे हुए हैं। ये मैं हाथ ऐसे इसलिए रख रही हूँ क्योंकि बिल्कुल सूरज ना मेरी आँखों के ऊपर है, और वो हल्का सा भी ना वो तीखा सा लग रहा है। एंड अबाउट दिस होटल ना, आपको ये होटल बुकिंग पे भी मिल जाएगा, अगोडा पे भी है, और इसकी ना गूगल के मेन पेज पे भी, लाइक इनकी जो अपनी रेटिंग है वो भी 3 to 4, 4.5 स्टार तक की इनकी खुद की रेटिंग है। मतलब स्लोली स्लोली ना उठ रही है धुंध, छट रही है ना, लेकिन वो बादलों की तरफ जो जा रही है ना, वो देखो ये एरिया देखो अभी तक ऐसे लग रहा है वो पहाड़ है, वो बीच में ऐसे लग रहा है बादल 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 बादल। ये देखो हल्के हल्के जैसे रूई के फाये होते हैं ना, बिल्कुल वैसे लग रहे हैं। तो या ओके हो सके, एंड या दिस इज़ आवर रूम, अभी तो ये बहुत गंदा हो चुका है, एंड दिस इज़ माय सन स्लीपिंग। और ये जो है ना गाइस, ये वुडन है, दिस इज़ वुडन, प्योरली वुडन, एंड देवदार की ये लकड़ी है। और ऐसा होता है कि जो वुडन की अंदर से अगर आपने थोड़ी सी भी कंडीशनिंग की होती है ना, तो रूम्स बहुत ही ज़्यादा गर्म रहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, पूरी रात यहाँ बारिश रही है और अंदर हमें गर्मी लग रही थी। दिस इज़ माई रूम्स बालकनी, एंड ये भी बहुत खूबसूरत व्यू देती है, लाइक ये थोड़ा कॉर्नर व्यू देती है बिकॉज वी आर ऑन फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट क्या, आप अगर टॉप फ्लोर पे होंगे तब भी आपको यही व्यू आएगा, लेकिन जो फ्रंट से व्यू है ना सेम ही व्यू है, थोड़ा साइड कॉर्नर व्यू है। सी यहाँ से पता है इनका ना नीचे शायद मेस है, और मुझे ना हल्का हल्का ना ऐसे खाने का स्मेल आ रहा है, और मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है, मगर मेरा फास्ट है तो मैं खाना नहीं खा सकती। बट मैंने चाय पी है, बहुत यम्मी चाय थी। इफ़ यू आर कमिंग टू शिमला ना, और कुफरी आप आ रहे हैं, तो डेढ़ घंटा आगे कितना कुछ नहीं लगता है। होटल्स यहाँ पे बहुत अफोर्डेबल हैं, आप नालदेहरा, नारकंडा, ये पूरा एरिया घूम के भी ना वापस जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ही स्मार्ट प्लेस है, बहुत ही प्यारी सी जगह है, बेस्ट होटल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आपको, गूगल पे मैं इनका लिंक डाल दूँगी, होटल का नाम और डिटेल्स डाल दूँगी। एंड वंस इफ़ यू कम डू चेकिंग, एंड बाय बाय।